आज की वीडियो में आपको दीपिका और रणवीर की फाइट पर करण जौहर के रिएक्शन के बारे में बताएंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस समय बॉलीवुड का हॉट टॉपिक रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण के बीच की लड़ाई है और ये लड़ाई कॉफी विद करण से शुरू हुई और अब ये लड़ाई बहुत हद तक बढ़ चुकी है। जी हाँ, आप सब जानते हैं कॉफी विद करण का न्यू सीजन स्टार्ट हुआ और इस सीजन की फर्स्ट एपिसोड में दीपिका और रणवीर सिंह साथ में आए, जहां दीपिका और रणवीर शादी के 5 साल के बाद पहली दफा इंटरव्यू दे रहे थे। पहली दफा उनकी शादी की वेडिंग वीडियो रिलीज हुई, वहीं पर इस शो में उनके बीच लड़ाई भी खूब हो गई। दीपिका और रणवीर का काफी लवी डवी कपल है और एक दूसरे के लिए प्यार मोहब्बत वो अक्सर शो भी कराते रहते हैं, लेकिन रिसेंटली इस शो पर बहुत ज्यादा लड़ाई हो गई और ये लड़ाई तब हुई जब दीपिका का कहना था कि वो रणवीर को डेट करते समय 4-5 और लड़कों को भी डेट कर रही थी, जिस पर रणवीर काफी ज्यादा गुस्से में आ गए। और इसी के बाद जब करण जौहर ने एक लाइव सेशन किया तो उसमें उन्होंने दीपिका की साइड ली। करण जौहर ने अपने लाइव में कहा कि जब उनकी कॉफी विद करण की एपिसोड ऑन एयर हो गई, उसके बाद उन्होंने ट्रॉलिंग सोशल मीडिया पर देखी और ये ट्रॉलिंग बहुत ज्यादा हो गई थी, लेकिन करण का कहना था कि जो लोग कुछ कह रहे हैं या इस पर ट्रॉल कर रहे हैं वो करते रहे, क्योंकि उन्हें कोई नहीं जानता और ना ही उनकी कोई बात सुनता है और ना ही उनको देखना चाहता है। करण का कहना था कि ये सब ट्रॉलिंग आप सबको कहीं भी नहीं लेके जाएगी और आप लोग कुछ बन भी नहीं पाएंगे। अगर कुछ बनना है तो कुछ करके दिखाओ, इस तरह से ट्रॉल करने से कुछ नहीं होता। हम सब जानते हैं कि ट्रॉलिंग सोशल मीडिया पर होती ही रहती है और बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ की इसमें आते रहते हैं, लेकिन दीपिका और रणवीर की बात करें तो ये ट्रॉलिंग उनके लिए काफ़ी नई थी, क्योंकि दोनों के बीच बहुत प्यार देखा जाता था और दोनों को एक आइडियल कपल भी माना जाता था। लेकिन दीपिका और रणवीर दोनों ने ही कुछ ऐसी बातें इस शो में कह डाली हैं जिस पर दोनों के बीच में खूब लड़ाई हो रही है और अब देखना यह है कि लड़ाई आगे बढ़कर कहां पहुंचती है। ऑल्दो करण जौहर ने इस बात को सॉर्ट आउट करने की कोशिश बिल्कुल नहीं की, बल्कि उन्होंने उल्टा ट्रॉलर्स को ही बातें सुना डाली। करण को चाहिए था कि वो इसको आराम से सॉर्ट आउट करते और ये बात बताते कि ऐसा कुछ नहीं था या ऐसा कुछ था, जिस तरह भी था वो बात को क्लैरिफाई करते, लेकिन उन्होंने बात और बढ़ा दी है। अब देखना यह है कि ये सब कहाँ जाता है और इस पर आगे क्या होता है। आप हमें कॉमेंट्स करना ना भूलिएगा।